हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी कंसेप्ट है। अगर आपको एक बार समझ में अच्छे से आ गया, दिमाग में इंटर हो गया, तो आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या इसको हम बेटा कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए, लेट अस सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है। दिस इज अपना से वेक्टर ए इज दिस, ये बेटा वेक्टर ए ये है। दूसरा वेक्टर अपना से ये है, दिस इज अपना से वेक्टर बी इज दिस। और ये दो वेक्टर अपना से पैरेललोग्राम लॉ के तहत अटैच हैं। दोनों के देखिए टेल एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर है। इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया बेटा? थीटा, ठीक है ना। अगर मैं यहां से कहें कि ए क्रॉस बी, तो बेटा यहां से ए क्रॉस बी इक्वल टू ये आता है ए बी साइन थीटा इंटू अपना से कितना बेटा? एन कैप। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज अपना से मॉडुलस ऑफ अपना से ए, और ये बताइए कितना? मॉडुलस ऑफ अपना से बी इंटू अपना से कितना? साइन थीटा इंटू अपना से यहाँ पर कितना? एन कैप। ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो ए बी साइन थीटा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? मैग्नीट्यूड। और ये बताओ अपना से यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? मैग्नीट्यूड इंडिकेट कर रहा है, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड। और ये यूनिट वेक्टर अपना से बताओ ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। इट टेल्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ अपर डायरेक्शन। इसका मतलब ए क्रॉस बी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये अपने आप में खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, दैट इज हम कह सकते हैं वेक्टर आपका सी। इस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन कौन सी होगी? एन कैप। तो ये आपका खुद एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, दैट इज अपना से वेक्टर सी। अब इसके हम जरा डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन कैसे अपना से डिफाइन करेंगे। इट्स डायरेक्शन अपना से डिफाइंड फ्रॉम अपना से राइट हैंड रूल, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसकी जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड अपना से रूल से, या हम कह सकते हैं बेटा स्क्रू रूल से अपना से कैलकुलेट करते हैं, स्क्रू रूल से, ठीक है ना। देखो डायरेक्शन कैसे देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना। लेट अस सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है, दैट इज अपना से वेक्टर ए इज दिस। एक दूसरा वेक्टर है, दैट इज अपना से वेक्टर बी इज दिस। और इनके बीच एंगल कितना? थीटा। इसके पैरेलल हमने यहाँ पर एक ड्रॉ किया, और बी के पैरेलल बेटा ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये आपका हो गया। अगर मैं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपना से देखूं, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपना से देखिए कैसे देखेंगे, ध्यान से देखना बेटा। सपोज हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, ये इसका टेल है और ये हेड है, ठीक है ना। ये जो कैप है दैट इज हेड, और ये क्या हो गया? टेल। ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी। ये देखिए दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर्स पैरेललोग्राम लॉ के तहत अटैच हैं। इनके बीच में एंगल कितना? थीटा। तो अगर हम राइट हैंड रूल से ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देखें, तो सबसे पहले हम वेक्टर ए को पकड़ेंगे, और वेक्टर ए को पकड़ के किधर की तरफ ले जाना है बेटा? बी की तरफ ले जाना है। जो सबसे पहले वेक्टर हमें मिले उसको पकड़ना है, और किधर की तरफ रोटेट करना है? बी की तरफ रोटेट करना है। अब रोटेट कैसे करेंगे उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज आपका से दिस टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। तो राइट हैंड से अपनी हथेली को सबसे पहले वेक्टर ए को पकड़िए बेटा। अब वेक्टर ए को पकड़ के किधर की तरफ रोटेट करना है? आप अपनी उंगलियों को इस तरीके से कर्ल करेंगे कि बी की तरफ, मतलब ये एंगल थीटा रोटेट करना है। तो ए को आपने पकड़ा देखिए, और ए को बी की तरफ आपने रोटेट किया, तो थंब बताइए किधर की तरफ है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड। तो याद रखिए ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा याद रखिए बेटा परपेंडिकुलर टू प्लेन होगी। किधर होगी बेटा? परपेंडिकुलर टू प्लेन, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अगर कोई दो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, किधर है बेटा बोलो? एक्स वाई प्लेन में, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा जेड एक्सिस में होगी। अब जेड में आपका ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव जेड भी आपके पास हो सकता है, दिस डिपेंड अपॉन द रोटेशन।
अगर कोई दो वेक्टर्स वाई जेड प्लेन में है, किसमें बेटा, वाई जेड अपना से प्लेन में है, तो बताओ इसकी डायरेक्शन अपना से ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, एक्स एक्सिस में होगी, क्योंकि वाई जेड का परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स एक्सिस हो गया, तो ये आपका एक्स एक्सिस में, और एक्स बेटा यहाँ से ये पॉजिटिव एक्स में भी हो सकती है और यहाँ पर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी हो सकती है। अगर कोई दो वेक्टर जेड एक्स प्लेन में है, किसमें बेटा, जेड एक्स अपना से प्लेन में, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, वाई एक्सिस में, और वाई में बेटा आपका ये पॉजिटिव वाई भी हो सकता है और यहाँ से ये नेगेटिव वाई भी हो सकता है, नेगेटिव वाई एक्सिस भी हो सकता है। अब जरा एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अगर हमें देखना है तो सबसे पहले हम वेक्टर ए को पकड़ेंगे, फर्स्ट वेक्टर ए को, और फिर अपना से बताओ ए से किधर की तरफ ले जाएंगे बेटा, बी की तरफ ले जाएंगे, कितना एंगल, जो थीटा एंगल है उसको स्वेप्ट करते हुए, उस एरिया को स्वेप्ट करते हुए, ठीक है ना। जैसे देखिए एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं, दीज आर टू वैक्टर्स, अगर ये दो वैक्टर्स इस तरीके से हैं, ये वैक्टर ए ये हो गया, ये वेक्टर बी अपना से हो गया, बोर्ड पर जरा समझिए, दिस इज अपना से दीज टू वेक्टर्स, वेक्टर ए इज दिस और ये वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल कितना, थीटा। तो सबसे पहले हम किसको रोटेट करेंगे, राइट हैंड निकालिए अपना बेटा प्लीज, राइट हैंड, और राइट हैंड से सबसे पहले ए को पकड़िए, और किधर की तरफ रोटेट करना है, बी की तरफ रोटेट करना है, तो देखो ए को बी की तरफ रोटेट कर दिया, ठीक है ना। तो थंब किधर की तरफ है, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो वेक्टर सी किधर की तरफ होगा, अगर मैं यहां से वेक्टर सी को देखें तो वेक्टर सी बेटा इस तरीके से होगा, देखो वेक्टर सी इज दिस, ध्यान से देखें वेक्टर सी इज दिस, तो वेक्टर सी हमेशा जिस प्लेन में ये दोनों होंगे उस प्लेन के कैसे होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा, क्लियर हो गया कि नहीं होगा। अगर ये दोनों एक्स वाई प्लेन में है तो वेक्टर सी बताओ किधर होगा, जेड एक्सिस में होगा। अब जो वेक्टर सी है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल सही बात है। क्या वेक्टर सी ए के परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल सही बात है। क्या वेक्टर बी, वेक्टर सी बी के परपेंडिकुलर होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो वेक्टर सी इस प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होंगे उन सबके कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, कैसे होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। अब जरा समझना, अगर मैं यही कहता B क्रॉस A तो फिर किसको पकड़ना है, देखो B को पकड़ना है, तो B को किस वाइज में, अगर मैं A क्रॉस B तो आपने रोटेट किधर किया, A को B की तरफ रोटेट किया, तो कौन सी वाइज रोटेट किया बेटा, एंटी क्लॉक वाइज रोटेट किया, ACW एंटी क्लॉक वाइज, हमेशा कैसे बेटा, परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू अपना से प्लेन, किधर आया बेटा बोलो, जेड एक्सिस में, पॉजिटिव जेड एक्सिस में आया, किधर आया, पॉजिटिव जेड एक्सिस, मतलब अपना से पॉजिटिव अपना जेड एक्सिस में आया। अगर मैं कहता B क्रॉस A, B क्रॉस A की डायरेक्शन, तो बताओ B क्रॉस A की डायरेक्शन अपना से किधर की तरफ होती है, B क्रॉस A, तो सबसे पहले हम किसको पकड़ते हैं, B को पकड़ेंगे, और B को पकड़ किधर रोटेट करेंगे बेटा, A की तरफ रोटेट करेंगे, तो B क्रॉस A देखो कौन सी वाइज रोटेट किया हमने, क्लॉक वाइज रोटेट किया, तो बताओ यहाँ पर भी परपेंडिकुलर टू अपना से प्लेन होगा, और यहाँ पर देखो किधर, B क्रॉस A, तो थंब किधर की तरफ जा रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड अंदर की तरफ जा रहा है, तो कौन सा एक्सिस होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस आपका हो गया, किधर हो गया, नेगेटिव जेड एक्सिस हो गया। अब इसी कंसेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स बेटा पूछे जा चुके हैं, पिछले टर्न पर हमने डॉट प्रोडक्ट की बात बहुत अच्छे से आपका से कर ली थी, किसकी बेटा, डॉट प्रोडक्ट की बात हमने बहुत अच्छे से बता दी थी, तो उस पर बेस्ड देखिए प्रॉब्लम कैसे, उसको जरा कॉम्प्लेक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं क्वेश्चन को। अगर आपसे कभी भी कहा जाए, मैं कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ और वो स्टेटमेंट आपको पता करना है कि वो स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है, जरा देखिए कैसे। अगर कभी कहा जाए कि वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू अपना से, बताओ यहाँ से वेक्टर सी तो प्लेन के कैसे बेटा, परपेंडिकुलर, तो सी तो इधर की तरफ हो गया और ए प्लेन में है, तो सी ए के कैसे हो गया, परपेंडिकुलर, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, तो सी परपेंडिकुलर टू ए, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट आपका से कैसा हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू अपना से बी, तो अब आप बताइए बेटा वेक्टर सी बी के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल होगा, वेक्टर सी तो बेटा ये है ना और बी प्लेन में है, तो बी सी के कैसे हो गया, परपेंडिकुलर, तो वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बी, ये भी अपना स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू हो गया। अब आप जरा बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, मतलब दो वेक्टर्स का ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, अब आप बताओ अगर मैं कहूं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी तो ये होगा डायगोनल,
देखिए ए प्लस बी तो ये डायगोनल होगा और वेक्टर सी अगेन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो सी ए प्लस बी के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, ये भी स्टेटमेंट कैसा हो गया? ट्रू हो गया। अब आप जरा बताइए, अगर मैं कहूं कि वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी, दो वेक्टर को हमने सबट्रैक्ट कर दिया, तो बताओ यहां पर ये ए माइनस बी किधर होगा? ए माइनस बी इधर की तरफ हो गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर अगेन प्लेन में ही होगा। तो वेक्टर सी बताओ a माइनस बी के कैसे होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये स्टेटमेंट भी हमारा कैसा हो गया? ट्रू हो गया। अब हम यहां पर कहते हैं कि वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b। अब आप जरा बताइए, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b, वेक्टर सी तो यही है, तो वेक्टर सी क्या है? a क्रॉस b तो है, तो कोई भी वेक्टर अपने सेल्फ के कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। कोई भी वेक्टर अपने सेल्फ के कैसे पैरेलल हो सकता है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। तो ये बेटा स्टेटमेंट आपको से कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है ना, ये फॉल्स हो गया। अब देखिए, अब प्रॉब्लम जैसे आपसे पूछा जाए, जरा ध्यान से देखना बेटा, आपसे कहा जाए कि ए डॉट, या मैं ऐसे कहूं कि ए डॉट ए क्रॉस बी, ये आंसर बताइए कितना होगा? तो a डॉट a क्रॉस b, अब जरा देखो दो वेक्टर, a क्रॉस b क्या है बेटा? वेक्टर c, a क्रॉस b वेक्टर c है, वेक्टर c a के कैसे परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट कितना होगा? जीरो, क्योंकि a a क्रॉस b के कैसे परपेंडिकुलर, और कभी भी दो वेक्टर एक दूसरे के बेटा परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? जीरो, ये जीरो आ गया। अगर आपसे कहा जाए कि b डॉट a क्रॉस b, जरा जल्दी से बताइए बेटा, b डॉट a क्रॉस b, ये भी कितना होगा? जीरो, क्योंकि वेक्टर b a क्रॉस b दैट इज वेक्टर c, मतलब वेक्टर c b के परपेंडिकुलर है, तो b डॉट a क्रॉस b भी कितना होगा? जीरो। अगर आपसे कहा जाए, जरा ध्यान से सुनना, a क्रॉस b, या मैं ये कह सकता हूँ a प्लस b, देखो जरा बेटा a प्लस b डॉट a क्रॉस b डॉट a क्रॉस b, तो इसका भी आंसर कितना होगा? जीरो होगा। अगर आपसे कहा जाए कि a माइनस b डॉट, आपको से बताओ कितना बेटा, a क्रॉस b, ये भी कितना होगा? जीरो होगा। ये भी कितना होगा? जीरो। ये सारे वेक्टर्स कैसे हैं बेटा? परपेंडिकुलर हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया। तो एक कंसेप्ट बेटा यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो मेरे ख्याल से ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि कोई भी दो वेक्टर्स, फिर से देखिए, कोई भी दो वेक्टर्स अगर किस जिस प्लेन में हैं तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। एक और आप वहां से डिस्कस कर रहे हैं बेटा, स्क्रू रूल। कौन सा रूल? स्क्रू रूल। अब जरा देखिए स्क्रू रूल क्या है। हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है। अब स्क्रू ड्राइवर को हम अगर यहां पर आप वहां से फिक्स कर दें, स्क्रू ड्राइवर को यहां पर फिक्स कर दें, और आपसे कहा जाए ए क्रॉस बी, तो रोटेशन कैसा होगा बेटा? ऐसी तो रोटेशन है। कौन सा वाइज है बेटा? एंटी क्लॉक वाइज। तो बताइए स्क्रू ड्राइवर को हम पकड़ के बताइए कैसे रोटेट करेंगे? यूं रोटेट करेंगे। तो अगर यहां पर स्क्रू होगा तो स्क्रू किधर निकलेगा? बाहर की तरफ निकलेगा। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन मतलब प्लस जेड, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस में होगी। अगर मैं कहूं बी क्रॉस से, तो बताओ हम स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को फिट करके तो स्क्रू ड्राइवर को हम बताओ किधर रोटेट करेंगे? बी क्रॉस से, मतलब बी क्रॉस से कौन सी वाइज रोटेट करना है हमें? क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज अगर रोटेट करें, क्लॉक वाइज रोटेट करें, तो बताओ स्क्रू किधर जाएगा? अंदर की तरफ। अंदर यानी कि प्लस जेड या माइनस जेड? माइनस जेड, नेगेटिव जेड एक्सिस आपके पास होगा। तो अगर कभी भी स्क्रू को हमें खोलना है, स्क्रू को हमें खोलना है, तो खोलने के लिए हम किस वाइज में, देखिए खोलना है मतलब अपना से खोलना है मतलब बाहर निकालना है, तो देखिए जिधर स्क्रू को बाहर निकालना है उधर थंब कर दीजिए। जैसे हमें स्क्रू को बाहर निकालना है तो तुरंत बताइए थंब इधर की तरफ होगा, तो रोटेशन कैसा होगा बोलो? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हम आपका स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू ड्राइवर कैसे चलाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। यूं अगर आपको स्क्रू को यहां पर टाइट करना है तो बताओ अंदर ले जाना है, मतलब थंब की तरफ कर दो, अंदर की तरफ कर दो, और जैसी थंब अंदर की तरफ हमने किया तो बताइए उंगलियां हमारी ये, तो रोटेशन कैसा होगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉकवाइज तो बताइए क्या होगा? टाइट होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज तो खुलेगा मतलब ओपन होगा। ये डायरेक्ट याद रखें। कभी कभी हम जब किसी अपना स्क्रू को हम ओपन करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें रेंज किस डायरेक्शन में चलानी होती है, हमें क्लॉकवाइज में रेंज चलानी है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बेटर रेंज चलानी है। तो रेंज को चलाने के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक बार फिर से समझिए। जैसे मान लो ये सर्कल है, ये अपना से कोई सर्कल है। अब हमें
अगर स्क्रू को अंदर करना है तो स्क्रू अंदर करना है मतलब हमारा थंब किधर जाना चाहिए, इनसाइड जाना चाहिए, तो रोटेशन ये होगा, रोटेशन ये होगा। बताइए आपके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, आपके रिस्पेक्ट में कौन सा वाइज होगा बेटा? क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज यानी कि क्या, किधर जा रहा है बेटा? क्लॉक वाइज यानी कि अंदर जा रहा है। और अगर ओपन करना है तो आपने इधर कर लिया, तो बताओ ओपन करना है तो ये कौन सा वाइज हो गया? एंटी क्लॉक वाइज। तो एंटी क्लॉक वाइज मतलब खुलेगा और क्लॉक वाइज मतलब कसेगा, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इतनी बात बताओ समझ में आ गई। अब देखिए एक बात और आपको बताएं, यही जो क्रॉस प्रोडक्ट है होल फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे चल के। ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे, तो वहां पर एक चैप्टर बेटा पढ़ाया जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कौन सा चैप्टर? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो एफ एम इक्वल टू, बताओ कितना होता है बेटा? एफ एम मतलब मैग्नेटिक फोर्स, एफ एम इक्वल टू कितना? क्यू डॉट वी क्रॉस वी होता है। कितना होता है बेटा? क्यू डॉट वी क्रॉस वी। इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो एफ एम इक्वल टू क्यू डॉट वी क्रॉस वी। तो जो बच्चे ट्वेल्थ पास आउट है या ट्वेल्थ में होंगे तो उनको ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या कहा कि जब भी कोई, मान लीजिए कोई एक क्रॉस फील्ड है, कौन सी फील्ड है बेटा? क्रॉस फील्ड, आप कौन सी? क्रॉस फील्ड। और इस क्रॉस फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, मास कितना बेटा बोलो? एम। और ये अपना से यहाँ पर वी वेलोसिटी से अपना से मूव कर रहा है तो इसमें लगने वाला जो फोर्स होता है वो एफ एम इक्वल टू ये होता है बेटा, क्यू डॉट वी क्रॉस बी। अब अभी हमने बताया कि जिस प्लेन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड होंगी, जिस प्लेन में फोर्स किधर होगा? उसके परपेंडिकुलर होगा। अगर ये बेटा एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में होंगे तो अब बताओ फोर्स किधर होगा? जेड में होगा। अगर ये वाई जेड प्लेन में होंगे तो फोर्स किधर होगा? एक्स एक्सिस में होगा। अगर जेड एक्स प्लेन में होंगे तो फोर्स किधर होगा? वाई एक्सिस में होगा। मतलब जिस प्लेन में ये दोनों होंगे, मतलब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, पक्का उस प्लेन के फोर्स किधर होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब आप बताइए इसी में कि फोर्स एफ एम जो है, मैग्नेटिक फोर्स, इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। बिल्कुल सही बात है, एफ एम मैग्नेटिक फोर्स है, परपेंडिकुलर टू अपना से बताइए मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हमसे पूछा जाए इसी में, फाइंड आउट द पावर डिलीवर्ड, पावर कितना कैलकुलेट करेंगे इस फोर्स के द्वारा। तो पावर अपना से बताओ पी इक्वल टू कितना होता है? डब्ल्यू बाई टी। पावर इज नथिंग बट इट इज द रेट एट विच द वर्क इज डन, पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। तो यहां से W को लिख सकते हैं बेटा एफ डॉट डी, कितना? एफ डॉट डी अपॉन अपना से टाइम टी। तो यहां से पावर पी इक्वल टू एफ डॉट अपना से बताओ कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज अपना से वेलोसिटी वेक्टर। अब आप बताइए कि यहां पर फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के कैसे होगा? परपेंडिकुलर होगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट बताओ कितना होगा? जीरो। मतलब पावर की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। अब पावर जीरो होगा तो हम कह सकते हैं वर्क डन बताओ कितना होगा? जीरो। मतलब यहां पर कौन सी फील्ड होगी बेटा बोलो? कंजर्वेटिंग फील्ड होगी या नॉन कंजर्वेटिंग फील्ड होगी? कंजर्वेटिंग फील्ड होगी। कंजर्वेटिंग फोर्स फील्ड में देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, यहां पर एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। स्पीड कैसी होगी? कांस्टेंट। वेलोसिटी चेंज होती है बट स्पीड आपका थ्रॉट आपका रिमेंस कांस्टेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। खैर ये बातें अभी हम यहां पर करने वाले नहीं है, ये हमने थोड़ा सा रफली एक आइडिया आपको दे दिया कि वहां पर भी इसका कंसेप्ट बेटा हम लोग यूज करेंगे काफी डिटेल में। अब इसकी कुछ हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। चलिए बेटा उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में जरा ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी अपना से क्या है? इट डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती है। मतलब हम यहां से कह सकते हैं डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती, मतलब ये कि अगर आपसे कहा जाए कि दिस इज अपना से वेक्टर ए और ये बेटा अपना से वेक्टर बी है, एंगल कितना? थीटा। अगर मैं कहूं कि ए क्रॉस बी तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे बेटा? ए को। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताओ किधर की तरफ होगी? बाहर की तरफ।
मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड एरिया स्वेप्ट अप मास से बेटा इतना होगा, मतलब आपकी हथेली ए से बी की तरफ रोटेट करने पर जितना एरिया अपना से स्वेप्ट अप मास से कर रही, ये अपना से एरिया हो गया ए क्रॉस बी। ये क्या हो गया, अभी हम बताएंगे ज्योमेट्रिकल इसका सिग्निफिकेंस आपका बताएंगे। तो ए क्रॉस बी मतलब एरिया ये हो गया, जितना देखिए राइट हैंड की हथेली जितना पार्ट आपको स्वेप्ट करती है वो एरिया हो गया, और इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, ए क्रॉस बी बाहर की तरफ होगा। अगर आपसे कहा जाए बी क्रॉस ए, तो सबसे पहले किसको पकड़ना है बेटा, बी को, तो बी को पकड़ किधर रोटेट करना है, ए की तरफ रोटेट करना है। तो एरिया तो उतना ही स्वेप्ट हुआ लेकिन डायरेक्शन किधर की तरफ हो गई, अंदर की तरफ। तो आपसे अगर पूछा जाए कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस बी बेटा किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, और बी क्रॉस ए प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड होगा। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, बट डायरेक्शन अपोजिट है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये हो गया और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इनसाइड हो गया, बोर्ड के अंदर की तरफ हो गया, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, बट डायरेक्शन कैसे होंगे, अपोजिट। इसका मतलब इट डज नॉट फॉलो कॉमिटेटिव लॉ, मतलब हम यहां कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी, ध्यान से देखना बेटा, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू आपके पास बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए इक्वल नहीं हो सकता है। क्या चेंज हो रही है बेटा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट वी कैन से हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस ए, ऐसे तो बेटा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इक्वल टू यहां से कितना बेटा बोलो, ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू अपना से A cross B is not equal to B cross A, but modulus of A cross B is equal to modulus of B cross A equal to कितना? A B sin theta, बिल्कुल सही बात है। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो A cross B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A cross B is equal to minus times of आपका से B cross A, क्योंकि B cross A के कैसे बेटा बोलो, A cross B, B cross A एक दूसरे कैसे हो गए, अपोजिट हो गए, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो हम यहां पर ऐसे, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, तो इट डज नॉट कॉम्यूटेटिव अपॉन लॉ। सेकंड याद रखिए बेटा, इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपॉन से फॉलो करता है क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे आपसे कहा जाए कि ए क्रॉस बी प्लस सी, ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी प्लस सी, अगर मैं कहूं ए क्रॉस बी प्लस सी, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी प्लस आप कहां से बताओ कितना बेटा, प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर रहा है, बट ऑर्डर इज स्ट्रिक्टली मेंटेन, ऑर्डर जो है वो स्ट्रिक्टली अपना से फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कहा ए क्रॉस बी, आपने बी क्रॉस सी अगर कर दिया तो आपका से गलत हो गया, मतलब डायरेक्शन आपने अपोजिट कर दी। तो आपका ऑर्डर बिल्कुल स्ट्रिक्टली मेंटेन होना चाहिए, ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड, अगर आप यहां से कहें कि लेट अस सपोज मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी की अगर बात करें, ए क्रॉस बी की बात करें, चलिए सबसे पहले ए क्रॉस बी की बात कर लें, तो ए क्रॉस बी अपना से हमने क्या बताया था बेटा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इंटू अपना से एन कैप, यही तो बेटा वेक्टर सी अपना से होता था। लेकिन अगर हम कहें मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी की बात करें, तो ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड होगा, मॉड वैल्यू होगी, वो अपना से बेटा कितनी होगी, ए बी साइन थीटा होगी, कितनी होगी, ए बी साइन थीटा। अब इस ए बी साइन थीटा में मॉड फंक्शन में, मतलब मैग्नीट्यूड अपना से पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा, प्लस वन, और मिनिमम वैल्यू यहां से कितनी होगी, जीरो, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जीरो। जरा देखे साइन थीटा के पॉजिटिव फंक्शन में, क्योंकि मॉड ले लिया मतलब हमने मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ए बी साइन थीटा, साइन थीटा मैक्सिमम प्लस वन, तो यहां पर मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी कैसा होगा बेटा, मैक्सिमम मिनिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, और मैक्सिमम वैल्यू आप कहां से कितनी होगी बेटा, ए बी होगी। यहां से बताओ साइन थीटा मिनिमम कितना, जीरो, तो मॉडुलस ऑफ आपका ए क्रॉस बी, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी ये कितना हो गया बेटा, मिनिमम कितना हो गया, जीरो, मतलब थीटा की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई, और थीटा की वैल्यू यहां से जीरो, और अपना से कितना, पाई रेडियन। मतलब अगर कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका क्रॉस जो प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा,
कितना होगा बेटा मैक्सिमम। और अगर कोई वेक्टर दोनों एक कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री है, तो पक्का है कि साइन थीटा कितना होगा 0। तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0 वैल्यू होगी। कितनी होगी बेटा 0 वैल्यू। ये पॉइंट आप से क्लियर हो गया ना। अब चलिए उसके बाद हम यहीं पर बात करते हैं बेटा सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, एसडीपी की बात करते हैं, सेल्फ आप से क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आपसे कहा जाए ए क्रॉस ए, तो कोई भी वेक्टर आप जानते हैं अपने सेल्फ के साथ कैसा होता है बेटा, पैरेलल होता है। ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए की वैल्यू यहां से कितनी होगी, ए ए साइन जीरो इंटू अपना से कितना एन कैप, साइन जीरो कितना जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो ये तो बेटा इतनी वैल्यू कितनी होगी जीरो, मतलब यहां से जीरो इंटू अपना से एन कैप, तो हम यहां पर कह सकते हैं नल वेक्टर। मतलब किसी भी वेक्टर का अपने सेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट बताओ कैसा होगा, एक नल वेक्टर होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो वेक्टर होगा मतलब नल वेक्टर होगा, एम्प्टी वेक्टर होगा मतलब हूज मैग्नीट्यूड इज जीरो, ठीक है ना। तो ए क्रॉस ए कितना होगा जीरो, बी क्रॉस बी कितना होगा नल वेक्टर, सी क्रॉस सी कितना होगा नल वेक्टर होगा। ये पॉइंट आपका समझिए। अगर मैं यहीं पर अपना से बात करूं कि आई क्रॉस आई की बात करूं, तो आई क्रॉस आई कितना होगा बेटा बोलो, आई क्रॉस आई इक्वल टू अपना से कितना जे क्रॉस जे, तो सबसे पहले आई क्रॉस आई की बात कर लेते हैं, तो कितना होगा आई आई और ये कितना साइन जीरो इंटू अपना से एन कैब, मतलब जीरो इंटू एन कैब कितना होगा बेटा जीरो वेक्टर ही हो गया। दैट इज हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि आई डॉट आई क्रॉस आई इक्वल टू यहाँ पर कितना बेटा जे क्रॉस जे इक्वल टू यहाँ से कितना के क्रॉस के इक्वल टू कितना होगा नल वेक्टर होगा मतलब जीरो वेक्टर होगा। ये पॉइंट आपका समझने की कोशिश करिए। अब उसके बाद देखिए अगर कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि दो वेक्टर हमने ले लिए, दिस इज अपना से वेक्टर ए और ये बेटा अपना से वेक्टर बी, ठीक है ना, इसके पैरेलल हमने इधर ड्रॉ किया, इसके पैरेलल इधर ड्रॉ किया, तो इसका पूरा एरिया, तो अब बताओ ए क्रॉस बी कितना होगा, यानी कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी और आपसे कहा जाए ए क्रॉस बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ए क्रॉस बी यहां पर कितना हो जाएगा ए बी साइन कितना 90, ए बी साइन 90 इंटू एन कैप, तो साइन 90 कितना हो गया बेटा 1, तो यहां से यहां कितना ए बी इंटू अपना से कितना एन कैप, ए बी इंटू एन कैप। मैग्नीट्यूड ए बी है और इसकी डायरेक्शन भी अपना से डिफाइंड होगी, इसकी डायरेक्शन बताओ किधर होगी ए क्रॉस बी प्लस जेड एक्सिस, किधर होगी पॉजिटिव जेड एक्सिस में होगी। अब उसके बाद मैं यहीं पर कोई दो यूनिट वेक्टर्स की अगर बात करता हूं, ध्यान से सुनना, यूनिट वेक्टर्स की बात कर रहा हूं, इधर हमने ले लिया एक्स एक्सिस या इधर हमने आई कैप, इधर कितना बेटा जे कैप और इधर देखिए प्लेन के परपेंडिकुलर ये क्या हो गया के कैप। ये के कैप ऐसा नहीं है बेटा, के कैप इस तरीके से है, थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा, 3D डायग्राम है ये आपका आई कैप जे कैप और ये के कैप इज दिस। अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि आई क्रॉस जे, ध्यान से सुनना आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे कितना होगा आई जे साइन 90, आई और जे परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री अपॉन्स हो गया बेटा, ठीक है ना। अब इसकी डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन देखो किधर की तरफ होगी आई क्रॉस जे डायरेक्शन प्लस के कैप, तो इनटू डायरेक्शन बताओ किधर होगी के कैप ही होगी। साइन 90 कितना 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड यहां पर है 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, तो ये वैल्यू तो पूरी यहां से यहां तक कितनी हो गई 1 हो गई, तो हम यहां से कह सकते हैं आई क्रॉस अपॉन जे इक्वल टू कितना बेटा बोलो के कैप, आई क्रॉस जे इक्वल टू कितना होगा के कैप होगा लो आई क्रॉस जे, यहां सिंपली देखिए आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस आई कितना होगा माइनस के कैप, देखिए ऑर्डर चेंज कर दिया, तो जे क्रॉस आई, तो जे को पकड़े अगर आई की तरफ रोटेट करें तो जे क्रॉस आई देखो किधर की तरफ होगा माइनस के कैप होगा, कितना होगा बेटा माइनस के कैप। अब मैं यहीं पर सिंपली आपको एक छोटी सी आपको ट्रिक बता देता हूं जिससे आपको आसानी से याद रह जाएगा, ध्यान से देखने में, एक सर्कल हमने एक छोटा सा बनाया और इस सर्कल में एक देखिए एक छोटा सा हमने सर्कल बनाया, इस सर्कल में हमने इधर अपना से लिख दिया आई कैप, क्या लिख दिया बेटा बोलो आई कैप, और इधर हमने यहां पर लिख लिया दिस इज अपना से जे कैप, ठीक है ना, इधर हमने यहां पर ले लिया जे कैप, जे कैप और इधर हमने यहां पर ले लिया दिस इज अपना से के कैप।
अब रोटेशन हम यू कर रहे हैं दिस वन, तो इसका रोटेशन यू हो रहा है। अगर रोटेशन यू हो रहा है तो अपने राइट हैंड को रोटेट करो दिस, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आपका रोटेशन आपका ये होगा बेटा। तो अगर हम कहें आई क्रॉस जे, तो ठीक सामने वाला कौन सा होगा? प्लस के कैप, क्योंकि ये रोटेशन कैसा पॉजिटिव हम ले रहे हैं, तो बिल्कुल वही चीज आती जाएंगी। देख लो जरा ध्यान से, अगर आपसे कहा जाए आई क्रॉस अपना जे, तो आई क्रॉस जे देखो बेटा, ये पहले तो पॉजिटिव होगा, तो आई क्रॉस जे सामने वाला क्या हो गया? के कैप। कितना हो गया बेटा? के कैप ये हो गया। अगर आपसे कहा जाए जे क्रॉस के, तो सामने वाला क्या हो गया? आई कैप। जे क्रॉस अपना से के, जे क्रॉस के इक्वल टू यहां से कितना हो गया? आई कैप हो गया। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए के क्रॉस आई इक्वल टू कितना? जे कैप। के क्रॉस आई इक्वल टू यहां से कितना होगा बेटा? जे कैप होगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, चेंज मतलब ऑर्डर चेंज कर दूं, तो माइनस आ जाएगा। देखो इधर, अगर मैं कहूं आप ऐसा रोटेशन अगर कर रहे हैं, देखो ऐसा रोटेशन, तो थंब किधर की तरफ? अंदर की तरफ, मतलब नेगेटिव होगा। तो अगर हम कहें जे क्रॉस आई माइनस के कैप, आई क्रॉस के माइनस जे कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप होगा। इसका अपोजिट आप कहां से लिख दें? तो यहां से जे क्रॉस आई इक्वल टू यहां से कितना होगा बेटा? माइनस के कैप होगा। फिर आप कहां से कितना? के क्रॉस आप कहां से जे, ये बताओ कितना होगा? माइनस आई कैप ये होगा। अगर आपसे कहा जाए आई क्रॉस आप कहां से कितना? के, और ये कितना होगा बेटा? माइनस जे कैप होगा। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप, जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप, के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप। इसका अपोजिट कर दें, तो अपोजिट आप कहां से, मतलब ये वाला रोटेशन हो गया, ये कैसा लेंगे? नेगेटिव। जे क्रॉस आई माइनस के कैप, आई क्रॉस के माइनस जे कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, ये अपोजिट आप कहां से हो गया। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कैसी आएगी? मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। कैसी? मैक्सिमम। और डॉट में जब परपेंडिकुलर होते तो डॉट कितना होता था? जीरो। और क्रॉस में बताओ वैल्यू कैसी आ रही? मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। देखो ए क्रॉस बी मैक्सिमम कितना है? ए बी। अगर दो वैक्टर पैरेलल और एंटी पैरेलल हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी दो वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर हैं, कैसे बेटा? कोलिनियर वेक्टर, तो उनका बताओ मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? जीरो। एक और यहीं पर मैं डिस्कस कर लेता हूं एंगल कैलकुलेट करना। एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, यहां से हमने ले लिया ए बी साइन थीटा, तो यहां से एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी? मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन अपना से यहां पर कितना? ए बी। या यहां पर थीटा इक्वल टू यहां से बेटा कितना? साइन इनवर्स ऑफ, और यहां पर मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन यहां से कितना? ए बी, ठीक है ना। ए अपॉन से अपॉन ए बी, तो थीटा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालना बेटा सिखा रहा हूँ, ए क्रॉस बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, कि बेसिकली ए बी साइन थीटा इसका बेसिकली ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसकी बात हम और कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बेटा उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आपको और सिखा रहे हैं। नाइन्थ पॉइंट अपना से कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। लेट अस सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल टू ये दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस अपना ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, एक वेक्टर ये। दूसरा वेक्टर अपना से वेक्टर बी इक्वल टू ये दिया हुआ है बी वन आई कैप प्लस अपना से बी टू जे कैप प्लस अपना से बी थ्री के कैप, ये दिया हुआ है। अब हमें ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, तो बाय डिटरमिनेंट मेथड। मैथमेटिक्स में इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं आप, तो यहाँ पर अभी डायरेक्ट याद रखिए, ये इस तरीके से एक बॉक्स बनाया और इसके ऊपर यहाँ पर एक आई कैप सब, फिर आपका जे कैप और फिर आप वहाँ से के कैप लिख दिया। सबसे पहले वेक्टर ए के आई कैप और जे कैप और के कैप के कोफिशियंट आप वहाँ से यहाँ पर रख दीजिए, तो आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशियंट यहाँ पर कितने बेटा? ए वन ए टू और ये कितना? ए थ्री, ये हो गया। उसके बाद वेक्टर बी के आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशियंट यहाँ पर रख दो, तो यहाँ से कितना हो गया? बी वन बी टू और ये अपना से कितना बेटा? बी थ्री हो गया। तो यहाँ पर देखो सॉल्व करें, सबसे पहले प्लस आई कैप, अब इसको बोलते हैं बेटा कॉलम बोलते हैं और इसको रो बोलते हैं, ये आप वहाँ से बताइए थ्री बाई थ्री का ऑर्डर हो गया, ये कितने का? थ्री बाई थ्री का, ये आपका थ्री कॉलम हो गए और आपका थ्री क्या हो गई? रो हो गई। तो यहाँ से सबसे पहले प्लस आई कैप,
अब इसके आमने सामने वाले एक लाइन, एक रो और एक कॉलम छुपा लो। तो देखो एक आपका से कॉलम, एक कॉलम एक रो छुपा ली, तो यहां से कितना बचा, जरा ध्यान से सुनो। देखो ए टू ए थ्री बी टू बी थ्री, ए टू ए थ्री और यहां से कितना बेटा बी टू आपका से बी थ्री, फिर उसके बाद प्लस आई के बाद ये माइनस जे कैप लिखते हैं हमेशा, कितना माइनस जे कैप। ये रूल होता है, आगे डिटरमिनेंट में मैथमेटिक्स में काफ़ी डिटेल में आपको ये पढ़ाया जाता है, अभी यहाँ पर पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले प्लस फिर माइनस जे कैप फिर प्लस के, ये सीक्वेंस होता है, आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा माइनस जे कैप। उसके बाद देखो यहाँ से एक कॉलम एक रो, इसके आमने सामने वाली को एक रो एक कॉलम छुपा लिया, देखो तो क्या बचा बेटा यहाँ से ए वन ए थ्री, ए वन ए थ्री बी वन बी थ्री, ये हो गया। उसके बाद देखें पहले प्लस आई कैप फिर माइनस जे कैप, अब यहाँ से कितना प्लस के कैप, फिर आप वहाँ से देखो क्या एक रो एक कॉलम आपने छुपा लिया, तो कितना बचा बेटा ए वन ए टू और ये कितना बी वन आप वहाँ से बी टू, ये हो गया, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये वाला जो मल्टीप्लाई करेंगे वो पॉजिटिव और ये वाला मल्टीप्लाई आप वहाँ से कैसा होगा बेटा नेगेटिव होगा, बस याद रखना। तो यहाँ से कितना होगा सिंपली ये आई कैप और यहाँ से देखो ये वाला कैसा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ से हो गया ए टू बी थ्री माइनस अपॉन्स बी टू अपॉन्स ए थ्री, फिर माइनस जे कैप, फिर यहाँ से कितना हो गया देखो ए वन बी थ्री माइनस अपॉन्स से कितना बेटा बी वन ए थ्री हो गया, और प्लस अपॉन्स से कितना के कैप, और ये बताओ ए वन बी टू माइनस का बी वन ए टू, ये हो गया। तो ये अपॉन्स से वैल्यू आ गई। अब इसमें देखिए आई कैप जे कैप के कैप टर्न आ रहा है, कौन सी क्वांटिटी आ रही है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी होता है बेटा वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहें या क्रॉस प्रोडक्ट कहें एक ही बात है। ये पॉइंट अपन से क्लियर हो गया, इतना बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से बेटा समझ में आ गया होगा, बाकी आपको प्रैक्टिस तो करनी करनी है। अब आगे कंसेप्ट देखते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जरा देखते हैं, कौन सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग, देखिए बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, लेट अस सपोज हमने यहाँ पर ये बनाया, दिस इज अपना से वेक्टर ए इज दिस, ये वेक्टर ए है, और एक वेक्टर हमने यहाँ पर लिया दिस इज अपना से वेक्टर बी इज दिस, एंगल कितना बेटा बोलो थीटा, ठीक है। अब इसके पैरेलल हमने यहाँ पर एक वेक्टर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, इसके पैरेलल हमने एक वेक्टर इधर की तरफ अपना से ड्रॉ कर लिया दिस, देखें इसके पैरेलल हमने इधर शिफ्ट कर लिया वेक्टर ए को, और इसके पैरेलल हमने वेक्टर बी को इधर शिफ्ट कर लिया, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। और ये इसका डायगोनल है, एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल अपना से बेटा ये हो गया, लो देखो एक डायगोनल अपना से हो गया, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये ओ हो गया, ये अपना से पी हो गया, ये अपना से क्यू हो गया, और ये अपना से बताइए कौन सा एन हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ये ओ पॉइंट हो गया। ओ पी यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ओ क्यू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, अभी हमने कहा था कि ए क्रॉस बी, जाओ तो ऊपर हेडिंग डाल लेना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, हेडिंग आप कहां से कर लीजिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू अभी हमने बेटा आपको समझाई कितनी, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ए बी साइन थीटा इंटू कितना एन कैप, यही तो आपको डिस्कस किया। अगर मैग्नीट्यूड की बात कर लें, यहां पर किसकी बात कर लें बेटा मैग्नीट्यूड की बात कर लें, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो समथिंग ये हो गया ए बी साइन थीटा, ये हो गया। अब आप बताओ ए का वेक्टर ए, ए क्या है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ओपी, क्या लिख सकते हैं ओपी, ओपी। वेक्टर बी को हम क्या लिख सकते हैं ओ क्यू, है ना, तो आपका ओपी हो गया इंटू अपना से बताओ यहां पर क्या ओ क्यू साइन थीटा, ओ क्यू साइन थीटा। एक काम करिए क्यू से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, मतलब बी का जो प्रोजेक्शन होगा वो अपना से बताइए कौन सा होगा ओ एन, वेक्टर बी का जो प्रोजेक्शन होगा वेक्टर ए के ऊपर वो कितना होगा ओ एन, तो यहां से ओ क्यू साइन थीटा, ओ क्यू साइन थीटा, इसके दो कंपोनेंट होंगे एक कॉस और ये कौन सा होगा ओ क्यू साइन थीटा, तो ओ क्यू साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं क्यू एन। देखो ओ क्यू का ये कंपोनेंट कौन सा होगा ओ क्यू कॉस थीटा, मतलब आपका बी कॉस थीटा, और ये कौन सा होगा बी साइन थीटा, बी मतलब
OQ sin theta, तो OQ sin theta की जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये OP, और यहाँ से OQ sin theta की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं QN, ये बताओ क्या लिख सकते हैं QN, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप बताइए OP क्या है बेसिकली, OP ये क्या है बेस, ये क्या है बेस, और ये क्या है बेटा परपेंडिकुलर, तो ये तो अपना से बेस, OP क्या हो गया बेस हो गया, और ये अपना से बताओ क्या हो गया हाइट होगी, ये परपेंडिकुलर, या इसको हम हाइट अपना से कह सकते हैं। तो बेस इंटू हाइट मतलब लेंथ इंटू विड्थ, ये क्या होता है बेसिकली, ये क्या होता है एरिया, ये क्या होता है एरिया, मतलब हम कह सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब अगर इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया अगर निकालना है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें क्या करना पड़ेगा ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ क्या करना पड़ेगा ए क्रॉस बी, मतलब अगर दो साइड्स आपको दे रखी हैं किसी भी पैरेललोग्राम की, दो साइड्स आपको दे रखी हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, दीज टू साइड्स आर गिविन, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ क्या होगा मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, क्या होगा बेटा इफ आपका, मैं यहीं पर कह सकता हूँ इफ, अब आप एक चीज और समझिए यहीं पर, अगर आपसे कहा जाए कि ये क्या बन रहा है बेटा ट्रेंगल बन रहा है, तो ट्रेंगल एरिया ऑफ ट्रेंगल आपसे पूछा जाए, एरिया ऑफ अपना से ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू क्या होता है हाफ इंटू अपना से बताओ बेस इंटू अपना से हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर या बेस इंटू हाइट, तो हाफ तो ये हो ही गया, और बेस इंटू हाइट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, मॉडुलस ऑफ अपना से बताओ कितना ए क्रॉस बी, मतलब ये हो गया हाफ ऑफ अपना से मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब एरिया ऑफ ट्रेंगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना से फॉर्मूला बन गया, एरिया ऑफ अपना से बताओ क्या बेटा ट्रेंगल इक्वल टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। अब हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए, पहला फॉर्मूला क्या हुआ कि अगर कभी भी किसी भी पैरेललोग्राम का दो साइड्स अगर गिवन है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बताओ क्या होगा मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, ये इसका हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दिया, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस आपका बता दिया, एरिया ऑफ ट्रेंगल। अब यहां पर कितने ट्रेंगल नजर आ रहे हैं, दो ट्रेंगल नजर आ रहे हैं देखो, एक ये और दूसरा ट्रेंगल ये भी तो नजर आ रहा है, तो अगर मैं इसका डबल कर दूं तो इंटू अगर टू कर दें तो किसका एरिया आ जाएगा पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, तो अगर मैं इंटू टू कर दें तो टू से टू क्या हो गया कैंसिल, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना बेटा मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अगर कभी भी अगर कोई अपना से यहां पर जरा ध्यान से सुनिए कि अगर मान लो ये कोई हमने पैरेललोग्राम ले लिया, अब इस पैरेललोग्राम में दो साइड्स आपको गिविन है, ये अपना से वेक्टर ए और एक साइड हमें ये मालूम है वेक्टर बी, है ना, मतलब दो साइड्स नहीं सॉरी दीज टू आपके डायगोनल्स, इफ आपका ध्यान रखो इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर डायगोनल्स ऑफ, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, then area of parallelogram, ये सिंबल बना देता हूं, area of parallelogram equal to half of modulus of a cross b, half of modulus of a cross b, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसी तरीके से आपका एक फॉर्मूला और डिस्कस करते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास एक क्यूबॉइड है, क्या है बेटा क्यूबॉइड आपका से है, अब इस क्यूबॉइड का लेंथ अपना से ए है वेक्टर ए एंड अपना से वेक्टर बी एंड अपना से वेक्टर सी आर द साइड्स ऑफ द क्यूबॉइड, साइड्स ऑफ द क्यूबॉइड, देन आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ अपना से क्यूबॉइड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूछा जाए कि अगर कोई क्यूबॉइड है जिसका लेंथ एल है विड्थ सॉरी जिसका तीन साइड्स आपको दे रखे हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। बेटा आप सभी जानते हैं कि अपना से अगर किसी क्यूबॉइड की लेंथ एल विड्थ बी और हाइट अपना से एच है तो बताओ क्या वॉल्यूम कितना होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट एल इंटू बी इंटू एच
यही तो इसका वॉल्यूम होता है। लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म में इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा, वेक्टर फॉर्म में या फिर स्केलर फॉर्म में, वही निकल के आएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। मैं एल बी एच की जगह यहां पर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी ले रहा हूं। ये तीन साइड्स आपका वेक्टर फॉर्म में आपको गिवन है। अब इसका हमें वॉल्यूम चाहिए, तो जरा ध्यान सुनिए कि वॉल्यूम भी, सबसे पहले बताओ वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। लेंथ डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट बताइए वेक्टर। एरिया कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर में किसकी बात करते हैं, डॉट या क्रॉस की बात करते हैं, डॉट की बात करते हैं। एरिया में किसकी बात, ये ध्यान से सुन लेना, एरिया में किसकी बात करेंगे बेटा, क्रॉस की बात करेंगे। वॉल्यूम में किसकी बात करेंगे, डॉट की बात करेंगे। तो अगर इसका वॉल्यूम अगर निकालना है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर रफली समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास तीन पेन है, चलिए एक मार्कर हमने ले लिया। ध्यान से देखिए बेटा प्लीज, अगर मैं कहूँ कि ये एक हॉल है, आप जिस जहाँ पर बैठे हुए हैं थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ध्यान से देख लिया जहाँ पर आप बैठे हुए हैं उसी फ्रेम में, उसी की रिस्पेक्ट में आप सोचिए, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही समझते जाइए। अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पर ओरिजिन का प्ले रोल प्ले कर रहा हूँ, तो दिस इज वेक्टर ए, ये मान लो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, या ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक बार फिर से समझिए, ये कौन सा बेटा x एक्सिस और ये कौन सा y एक्सिस, मतलब हम जिस सरफेस पे खड़े हुए हैं इसको हमने एक्स वाई ले लिया, एक्स वाई प्लेन, और इसके परपेंडिकुलर ये कौन सा जेड एक्सिस। तो देखो बेटा ये बोलो वेक्टर, ये अपना से x एक्सिस, ये कौन सा y एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब ध्यान सुनना, क्यूबॉइड तो समझ रहे हो, ये बेटा बताओ आप जिस प्लेन में सरफेस पे बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो कौन सा बेटा एक्स वाई, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा जेड, मतलब ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये कौन सा हो गया जेड हो गया। मतलब आप इस प्लेन में बैठे हुए हैं, आप इस प्लेन में खड़े हुए हैं, मैं इस सरफेस पर आप वहाँ से खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ आपको। तो अगर मैं सबसे पहले जिस सरफेस पर हम बैठे हुए हैं उसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जैसे देखो हमने कहा कि दिस इज अपना से वेक्टर ए, ये मान लो, ध्यान से सुनना बेटा प्लीज़, इधर देखो, चलो ऐसे देख लेते हैं, इसको हमने यहाँ पर ये ले लिया, देखो इधर ये हमने ले लिया वेक्टर ए, कौन सा बेटा वेक्टर ए, ये कौन सा वेक्टर बी और ये कौन सा वेक्टर सी। ये दीज आर द साइड्स ऑफ ए क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड की साइड्स आपको दे रखी हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो चलिए सबसे पहले जिस प्लेन में हम बैठे हुए हैं, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, तो सबसे पहले इसका एरिया निकाल लें। तो एरिया कितना होगा, ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, सी की तरफ, ये वेक्टर सी इधर की तरफ है, तो बताओ ए क्रॉस बी और ये क्या आ गया, इसका एरिया आ गया, क्या आ गया बेटा एरिया, और एरिया इंटू हाइट क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो डॉट करेंगे क्रॉस करेंगे, डॉट करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी होगी, वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट आपका से कितना बेटा सी। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए प्लीज, ये क्या हो गया, ये मार्कर वेक्टर ए, और ये वाला पेन बताओ कौन सा वेक्टर बी, और ये आपका से वेक्टर सी। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालें, क्या हुआ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ए क्रॉस बी, और इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, थंब बताइए किधर की तरफ, अपवर्ड, और वेक्टर सी भी किधर, अपवर्ड। तो वेक्टर सी और एरिया मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, क्या हो गए पैरेलल। तो अब आप बताओ ए क्रॉस बी की वैल्यू यहां से कितनी, हम यहां पर लिख सकते हैं ए क्रॉस बी ए बी साइन कितना 90, और डायरेक्शन किधर की तरफ हो गई के कैप, और वेक्टर सी बताओ यहां पर क्या, तो ए बी साइन 91 हो गया, और इंटू आप डॉट अपना से बताओ, डॉट अपना से कितना बेटा वेक्टर सी हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी और ये कितना के कैप, डॉट अपना से वेक्टर सी को हम क्या लिख सकते हैं सी इंटू के कैप, तो बताओ यहाँ से कितना ए बी सी, और ब्रैकेट में कितना के डॉट के, और के डॉट के कितना 1, तो यहाँ से कितना होगा ए बी सी, मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये वेक्टर फॉर्म में क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी सी के कैसे होगा बेटा पैरेलल, दोनों के डायरेक्शन सेम है, इसलिए बताओ इधर के कैप के डॉट के कितना 1, तो वॉल्यूम अपना से कौन सी क्वांटिटी आ रही है, स्केलर क्वांटिटी आ रही है। इस तरीके से आप फॉर्मूला देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, कभी भी
अगर किसी पैरेललोग्राम के दो साइड्स दे रखे हैं कि लेट अस सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स आपको दे रखे हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। अगर किसी डायगोनल में या अगर किसी पैरेललोग्राम में कोई दो डायगोनल दे रखे हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी होगा। अगर किसी क्यूबॉइड की अगर बात करें कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर द क्यूबॉइड, आर द साइड्स ऑफ ए क्यूबॉइड, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है ना, तो ये पूरा अपना इस तरीके से फिनिश होता है। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए बेटा, प्लीज़ ज़रूर अपना से हम रिस्पॉन्स आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच।